मैं एक्चुअली गली क्रिकेट से मेरे क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं सोसाइटी में मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलती थी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो था हमारा, उन्होंने टेनिस बॉल टूर्नामेंट लिया था लड़कियों के लिए, सो इंटर स्कूल टूर्नामेंट था वो, तो मैंने उधर अच्छा किया। फिर उसके बाद आई गॉट पिक्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट टीम। फिर उधर मेरा इट वाज लाइक फर्स्ट विथ लेदर बॉल, सो उधर मैंने डिसेंट कुछ किया, बट मुझे बहुत लोगों ने कि फिर मेरे पेरेंट्स को बताया कि लड़की अच्छा कर रही है, आप उसको प्रोफेशनली खिलाओ, उसको लेदर बॉल पे प्रैक्टिस के लिए भेजो। सो ग्रेजुअली इन दैट वन ईयर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विथ लेदर बॉल। फिर उधर से आई गॉट पिक्ड फॉर स्टेट कैंप, और उधर से मेरा प्रोफेशनल स्टेट जर्नी स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र के लिए। क्रिकेट नेक्स्ट एकेडमी फर्स्ट एकेडमी है। आई ट्रेन अंडर अतुल गायकवाड सर, और अभी 10 साल बाद भी, आई गेस 11 साल बाद भी, आई एम स्टिल विथ अतुल सर एंड प्रैक्टिसिंग एट क्रिकेट नेक्स्ट एकेडमी। पहले तो मेरा रहेगा, हम लोग अंडर 19 जब ऑल इंडिया जॉइंट विनर्स थे, तो उसमें जो फाइनल वाला नॉक था वो मेरा पहला 50 था लेदर बॉल पे बीसीसीआई के ऑफिशियल मैचेस में, और we were chasing around 219 runs and 200 के ऊपर का स्कोर एक 10 साल पहले was like काफी अच्छा माना जाता था। सो उस टाइम पे नीचे बैटिंग करके मैंने नॉट आउट 50 करके टीम को जिताया था, सो दैट विल बी माय फर्स्ट पिक। फिर उसके बाद अंडर 19 में ही मैंने एक नेक्स्ट साल जब मैं कैप्टन थी तब मैंने 150 रन बनाए थे गुजरात अगेंस्ट, तो वो रहेगा मेरा सेकेंड पिक। फिर हरियाणा अगेंस्ट मैंने सीनियर में 148 रन किए थे इन वनडे मैच, सो वो मेरा रहेगा थर्ड पिक। फोर्थ, माय फेवरेट इनिंग इज लाइक T20, जब मैंने दिल्ली के अगेंस्ट 82 किया था, क्योंकि तब कंडीशंस वर सूटेबल फॉर बॉलिंग, क्योंकि बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था, और तब मैंने पहली बार ओपन किया था स्टेट के लिए, सो तब मैंने जो 82 बनाए थे वो मेरे फेवरेट है। और अभी का एक ऐसे लाइक इट्स नॉट बिग स्कोर, बट अभी हम लोग जो क्वालिफाई हुए हैं, अभी हमारा टूर्नामेंट चल रहा है बीसीसीआई का, तब मैंने कर्नाटका अगेंस्ट लास्ट में हमें कुछ लास्ट ओवर में कुछ 12-13 अराउंड रन चाहिए थे, तब मैंने एक छक्का मारा था जो सामने मारा था, तो वो इनिंग मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मैं वो मतलब बहुत लेट बैटिंग को गई थी और टीम वाज अंडर प्रेशर, सो वो बॉल और रन के बीच का गैप वो इनिंग ने कम किया था, और तब मैंने अंडर प्रेशर ज्यादा अच्छा अप्लाई किया था, सो आई फील दैट आई विल रेट दैट इनिंग एंड नंबर 5। एक एडवाइस जो मैंने मेरे जर्नी में सीखी है वो है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, क्योंकि लोग आपको आकर बोलेंगे आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, बट जो आपको सही लगता है और जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो यू जस्ट नीड टू गो फॉर इट। और जो मैंने अभी मेरे जर्नी में मैंने जो एक और एक चीज सीखी है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो अपकमिंग प्लेयर्स है, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग एंड एडेप्टिंग, आई गेस बिकॉज दैट इज माय मंत्रा, दैट्स हाउ आई वर्क, क्योंकि एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स और एक्सेप्टिंग सिचुएशन हेल्प्स इज यू आउट, और फिर आपको आपका अगला प्लान करने के लिए आपको आसानी होती है। और एडेप्टिंग इज जो भी सिचुएशन और कंडीशन में हम लोग खेल रहे हैं या ऑफ फील्ड कंडीशन जो सिचुएशन रह सकते हो, तो आप जैसे जिस तरफ से अडेप्ट करते हो, जैसा आपका माइंडसेट होगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहकर और इवेंचुअली परफॉर्म करने के लिए। ड्रिल्स मतलब मेरा एक बिलीफ है कि बैटिंग विद कॉन्सिक्वेंसेस, जो मैंने मेरे कोच ने मुझे सिखाया है, क्योंकि हमारे बैटिंग में जब हम लोग मैच में जाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट दैट वन पर्टिकुलर चांस, तो मैं प्रैक्टिस में ये ख्याल रखती हूँ कि आई एम ऑलवेज चैलेंजिंग माय माइंड, जैसे कि अगर मैं नेट में भी बैटिंग को गई तो आई प्ले विद सर्टेन सिचुएशन कि अभी कम बॉल में ज्यादा रन बनाए ना, फिर जल्दी विकेट चले गए हैं तो मुझे उस तरह हिसाब से स्ट्राइक रोटेट करके एक इनिंग बिल्ड करना है, सो दैट इवेंचुअली हेल्प्स मी कि जब मैं मैच में वो सिचुएशन में अगर हूँ तो मेरा माइंड मुझे बताता है कि या वी हैव डन दिस अर्लियर, सो एक वो कॉन्फिडेंस भी रहता है। My mind works like under pressure better because मैंने ये सब practice किया, so I feel drills it is as good as mental or you can say tactical drill, but batting with consequences is my favorite one। क्योंकि कैसे होता है ना कि मैच में अगर हम मुझे पता है कि मैं कवर अच्छा मार रही हूँ, बट उधर अगर मैच में मुझे दो अच्छे फील्डर कवर्स को रखे तो I need to think of another options, मैं सिर्फ मेरा वो शॉट मैं वो शॉट नहीं खेल सकती, तो I guess वही है कि विकेट फिर स्लो टर्निंग ट्रैक और स्लो ट्रैक और मेरे मतलब मुझे पता है कि मैं सब बॉल छक्के मार सकती हूँ, बट वो विकेट पे या वो सिचुएशन को जरूरत है क्या? सो आई गेस दिस इज एज अ क्रिकेटर इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका स्ट्रेंथ क्या आपको पता होना चाहिए, बट वो अप्लाई करना है और कब करना है ये भी आपको पता होना चाहिए. सो आई गेस बैटिंग विद कॉन्सिक्वेंसेस इज माय जैसे ना कि दैट मेरा एक ही मानना है कि हम लोग जब भी प्रैक्टिस को जाते हैं वी शुड ग्रो 1% एटलीस्ट एज अ प्लेयर एंड एज अ पर्सन. सो दिस चैलेंजेस हेल्प्स कि आप इवेंचुअली बेटर क्रिकेटर बनने जा रहे हो, क्योंकि आपको एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है और आपको अपने जो अपने टेक्निकल पार्ट से वो आप अप्लाई कर सकते हो तब. और एज अ पर्सन आई से कि आप जब क्रिटिकल कंडीशन में आप अगर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो ना, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू वर्क लाइक जो भी ऑफ फील्ड आपका जो लाइफ है उसमें भी आपको वो काफी हेल्प करता है. बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि मुझे याद है मेरा फर्स्ट ईयर था सीनियर्स का और आप 19 का भी बोल सकते हो, तो मैंने एक ही चीज है ना जो मैंने बार बार नोटिस किया, दैट इज विनिंग एटीट्यूड. क्योंकि कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर एक प्लेयर आके खड़ा होता है, बोलते नहीं आज मुझे अच्छा, आज मुझे चांस मिला, आज मैं टीम को जिता के दूंगी. सो दैट इज समथिंग जो मैंने भी सीख के हम सब ने अडेप्ट किया है कि नो मैटर व्हाट यू जस्ट नीड टू बैक योरसेल्फ और जो कुछ भी ओनरशिप लेके टीम को जिताओ. एट द एंड जीतना इज इम्पोर्टेंट, किसका भी कंट्रीब्यूशन हो, सिर्फ जीतना इज इम्पोर्टेंट. सो आई गेस दैट विनिंग हैबिट इज समथिंग कीप्स अस गोइंग. और ऑलमोस्ट अभी जो हमारा टीम है हम लोग सब 10 साल के ऊपर, मतलब हमारा जो 19 का एज ग्रुप है हम लोग वही है. सो 10 साल हम लोग सब खेल रहे हैं. सो आई गेस दैट अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट बेटर कि कौन किस मतलब सिचुएशन में किससे क्या बात करनी है. सबको लिए ऐसे नहीं होता कि अभी वो मुझे एज अ कैप्टन भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप सबको एक ही लैंग्वेज में बोल सकते हो. कोई कोई लोगों को इट्स ऑल अबाउट नेचर, सबका नेचर सेम नहीं रहता. अगर किसी को आपको चाबी मारना पड़ता है, किसी को जाके बोलना पड़ता है नहीं नो वरीज, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जस्ट बैक योरसेल्फ. सो देयर इज समथिंग कि हम लोग इतने साल एक साथ खेले तो वो एक हिडन अंडरस्टैंडिंग है ना, वो टीम का बहुत अच्छा है. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल और थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि एज अ क्रिकेटर आई गेस अभी मैं 10 साल से हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो एसोसिएशन ने जो मेरे पे एक फेथ दिखाया है, तो आई गेस बड़ी बात है और आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. और आई फाइंड लाइक मैं कैप्टनशिप को एक चैलेंज की तरह देखती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है, क्योंकि हम लोग सब साथ में खेले ना, तो ऐसे कुछ देयर इज वी जस्ट नीड टू बी लाइक आई जस्ट नीड टू बी अ गुड कोऑर्डिनेटर. एंड फिर हम लोग जो नए लोग भी आ रहे, तो हम सब लोग एटलीस्ट लोकल मैचेस या कभी ना कभी तो साथ खेले हुए हैं. सो आई गेस वो जो हम लोग जो पहले बचपन से खेलते हैं ना, तो दैट गिव्स अस बेस. तो कैप्टनशिप को मैं ऐसे लाइक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अंदर अच्छा करना है, जीतना है. सो अभी हम लोग अभी क्वालिफाई हो गए हैं अगले राउंड के लिए. सो हमारा जो क्वार्टर फाइनल है वो होगा बेंगलोर में. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि मैं अच्छा करूँ और टीम भी अच्छा करे, हम लोग फाइनल जीते. कैप्टन मैं मतलब कैप्टनसी जब हम लोग क्या बोलते हैं, मैं ऐसा मेरा देखने का नजरिया ऐसा है कि जब मैं बैटिंग को जा रही हूँ तो आई एम अ बैट्समैन. हाँ मैं कैप्टन हूँ बट बैटिंग को जा रही हूँ तो आई एम अ बैट्समैन. तो मेरे सामने स्कोर बोर्ड है, मुझे सिनेरियोस पता है, तो तब मैं कैप्टनशिप का ख्याल मेरे मन में नहीं आता. तब आई एम अ बैटर और टीम मेरे पे डिपेंडेंट है और मुझे टीम को जिता के आगे ले जाना है. सो आई गेस दैट्स हाउ आई लुक एट. तो उसमें कैप्टनशिप का ऐसे प्रेशर कुछ नहीं था. एज अ बैट्समैन आई एंजॉय चैलेंजेस. सो आई जस्ट मेरा जो नॉर्मल रूटीन है वो वैसे ही चलता है. सीरियस ऐसे तो कोई नहीं है, क्योंकि हर सबका अपना अपना एक ढंग रहता है. मिस्चिवस में बोलूंगी हम 4 लोग हैं, मैं, देविका वैद्य, उत्कर्षा पवार जो कि हमें उसको सैग बुलाते हैं, और मुक्ता मगरे बनी. सो हम लोग जो है हम लोग 19 से एक साथ है. सो हमारे ऐसे जो कोर रहता है ना कि हम लोग मजाक मस्ती या इधर उधर टांग खींचना, सो वो ऑफ फील्ड वो चालू रहता है. मैं देखती हूँ कि इंडियन टीम चयन ये इम्पोर्टेंट है, बट आई एम लुकिंग कि मैं हमारे टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतूं, क्योंकि दैट वर्ल्ड कप जो आने वाले जनरेशन को भी इम्पैक्ट जो रहता है वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट में अच्छे करने का, वो बहुत ज्यादा बड़ा लाइक अच्छा रहता है. So I just want to win that World Cup for my country. That is my ultimate goal. We are sure you will one day, and that day is not too far. Yes, sure.